Audio Jungle. क्रेज विद नाहिद के साथ, नाहिद आपके साथ है आज एक और एक्साइटिंग रेसिपी के साथ, और वो है बहुत ही सिंपल रेसिपी है, वो है पिज्ज़ा डो। अगर हमारा पिज्ज़ा डो बिल्कुल परफेक्ट हो तो उससे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। और मेरी जो पिज्ज़ा डो की रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें इतनी ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं यहाँ ये भी कहती चाहूँ, ये रेसिपी दरअसल मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, ये मेरी फ्रेंड इब्तिसाम की रेसिपी है, और मैं हमेशा उन्हीं की रेसिपी से पिज़्ज़ा डो बनाती हूँ, और मैं यहाँ अपने चैनल के थ्रू उनको ज़रूर 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 थैंक्स कहूँगी। तो आ जाएं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले लिया है मैदा 2 कप, और 2 कप मैदा में मैं इसमें खमीर या इंस्टेंट यीस्ट शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून। ये हमारे पास पाउडर मिल्क है, मैंने नीडो यूज़ किया है 2 टीस्पून। यहाँ मेरे पास पिसी हुई चीनी है 2 टीस्पून। यहाँ मेरे पास नमक है 2 चुटकी, और यहाँ हमारे पास मेल्टेड घी है, नॉर्मल घी जो हम घर पे यूज़ करते हैं 2 टेबल स्पून, ये भी मैं मैदे में ऐड कर दूँगी। ठीक हो गया, अब मैं इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखें, हाथ की मदद से मैं इसे बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम ड्राई चीज़ें और घी भी मिक्स हो जाए। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास ये नीम गर्म पानी है, ऐसा पानी जो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा ना हो, और ये मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी डो में ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, ऐड करती जाऊँगी और सबको मिक्स करती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, मगर ख्याल रखिएगा कि एकदम एक साथ पानी ऐड नहीं करना। ये देखें, ये मैंने तकरीबन इसे इस तरह, जब ये इस तरह के फॉर्म में आ जाए, देखें बिल्कुल सॉफ्ट है, तो अब मैं इसे सही तरीके से किचन काउंटर में, या मेरे पास यहाँ पे टेबल है, आपके पास किचन काउंटर में इसे अच्छी तरह रब करना है। देखें मैं किस तरह करती हूँ, पहले मैं थोड़ा सा इसमें फ्लावर डस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं पिज़्ज़ा डो को रख कर बहुत अच्छी तरह हाथ की मदद से इसे मुझे अच्छी तरह, देखें ये चाहे किसी भी आप चिकन ब्रेड बना रहे हो, डोनट की डो हो, पिज़्ज़ा की डो, सब डो में आप इस बात का ख्याल रखें कि इसे किचन काउंटर में रब करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छी तरह इस तरह, ताकि ये यूँ, ये ध्यान रखें मेरे स्टेप को, मैं इसको टर्न करती जा रही हूँ और हाथों की मदद से यूँ को थोड़ा अच्छी तरह हमें रब करना है। ठीक है, मैं इस प्रोसेस को तकरीबन 2 से 3 मिनट करूँगी, और उसके बाद आपको मैं इस डो का फाइनल लुक दिखाऊंगी। जी ये देखें, हमारा डो जो मैंने किचन काउंटर पे रख के रब कर रही थी, कितने अच्छे फॉर्म में आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा बाउल है जिसमें मुझे इस डो को रखना है रेस्ट के लिए, हल्का सा ऑयल लेकर इसे मैं अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से, बहुत लाइट सा ऑयल जो है इसमें ब्रश करके मैं इस पिज़्ज़ा डो को इसमें रख दूँगी, और इसके ऊपर भी लाइट सा ऑयल ब्रश कर लूँगी, बहुत लाइट मामूली सा। ठीक है, और अब इस तरह के किसी कॉटन के या मलमल के कपड़े को अच्छी तरीके से इसको कवर करके मैं किसी किचन में ही किसी गर्म जगह पे 3 से 4 घंटे रख लूँगी। आजकल वेदर बहुत अच्छा है तो आज 3 घंटे भी काफ़ी होता है, और बेहतर बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ये भी कर सकते हैं, आपके इस कपड़े को आप किसी नीम गर्म पानी में डिप करके निचोड़ के फिर इसे कवर करके रख दें। चलें मैं इसको कवर करके रखती हूँ, और फिर आफ्टर 3 आवर मैं आपको पिज़्ज़ा डो का सही लुक दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक, 3 घंटे पूरे हो गए, बल्कि 2.5 घंटे में ही, ये देखें हमारा परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बिल्कुल बनकर तैयार है। देखें इसका वॉल्यूम भी डबल हो गया। अब मैं इसे हल्का सा पंच डाउन करूँगी, इसे मैं हल्का सा 1-2 बार और पंच डाउन करूँगी, और अब हमारा ये पिज़्ज़ा डोस है
कितना परफेक्ट पिज़्ज़ा डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट तैयार है। ये देखें आप, ये पिज़्ज़ा डो से मैं आपको बहुत सी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर अपने चैनल में। तब तक के लिए नाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फीडबैक का, आप सबके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।